नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फॉरेस्ट्री एकेडमी में। एग्रीकल्चर पीजीटी और टीजीटी संबंधित पशुपालन हमारा टॉपिक चल रहा है। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी भी हो गई, भेड़ भी हो गई, ये सारा हो गया। बात करते हैं मुर्गी, क्योंकि मुर्गी क्या है कि मांस के लिए या अंडे के लिए उसके अच्छा उत्पादन है। और जो भी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करवाने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष इक्कीस अंडे प्रति व्यक्ति, जबकि कनाडा में USA 295 पश्चिमी जर्मनी में 249 कनाडा में 282 है, USA में 295 है, पश्चिम जर्मनी में 249। भारतीय मुर्गी औसतन 60 अंडे प्रतिवर्ष जबकि USA 295, कनाडा 282 और पश्चिमी मतलब कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अंडे प्रति व्यक्ति की उपलब्धता है। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए 21 अंडे प्रतिवर्ष उपलब्धता है, जबकि कनाडा पे 282, USA पे 295, पश्चिम जर्मनी पे क्या है 249। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? USA पे प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता सबसे ज़्यादा कहाँ पे? USA पे है। भारतीय मुर्गी औसतन 60 अंडा प्रतिवर्ष देती है, मतलब एक साल में लगभग 60 अंडा ही वो दे पाती हैं, जबकि USA 295, कनाडा 282 और पश्चिम जर्मनी लगभग 249 अंडे मतलब कि देती हैं वहाँ की मुर्गियाँ। भुवनेश्वर बंगलौर शिमला, भारत सरकार ने 5 मुर्गी फार्म खोले, 5 मुर्गी फार्म।
पांच मुर्गी फार्म हैं जो भारत सरकार ने, भुवनेश्वर हो गया, इज्जत नगर, बरेली हो गया, बंगलौर हो गया और दिल्ली हो गया, शिमला हो गया, पांच मुर्गी फार्म जो भारत सरकार ने खोले हैं। लेगहॉर्न या WLH ये क्या है, सबसे अधिक अंडे देती है, सबसे अधिक अंडे देती है, सबसे अधिक अंडे देती है। व्हाइट लेगहॉर्न या WLH सबसे अधिक अंडे देती है। अच्छे अंडे व संकर किस्में मुर्गी की मतलब अच्छे अंडे व संकर मुर्गी तैयार करने के लिए मतलब कि अच्छे अंडे उत्पादन के लिए, अच्छी मुर्गी तैयार करने के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद में हैदराबाद, इज्जत नगर, अच्छे अंडे व संकर मुर्गी तैयार करने के लिए हैदराबाद में फार्म खोले गए, केंद्र खोले गए, जिससे क्या है कि उनके क्रॉस करा के अच्छी मुर्गी तैयार की जा सके। और जो इज्जत नगर बरेली है 1977 में, जो इस टाइम पे पशु पक्षी विहार है 1977 में इसको क्या किया गया था, ये मुर्गी फार्म के तौर पर मुर्गी को क्रॉस करने के लिए, अच्छी ब्रीडिंग के लिए इसको तैयार किया गया था। अंडा कैसा है, अंडा एक पूर्ण आहार है जिसमें कि प्रोटीन्स है, विटामिन्स है ए बी और डी, और अधिक मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। फैट भी मिल जाएगा आपको उसमें, मतलब माइनूट सा वसा मिल जाएगा। प्रोटीन अच्छा, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन ए बी डी अच्छा सोर्स होता है अंडे के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि पूर्ण आहार अंडे को, मतलब दूध या के अलावा अंडे को भी रखा गया है। अब क्या है, इसकी जो प्रजातियां हैं उसका विवरण, मतलब मुर्गी की प्रजातियों का विवरण। नस्ल, अमेरिकी नस्ल क्या है, न्यू हैम्पशायर मूल स्थान अमेरिका। प्लाईमाउथ रॉक अमेरिका। रोड आयर
रेड अमेरिका। अब बात करेंगे भारतीय नस्लों के, भारतीय ये क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। बसरा महाराष्ट्र, गुजरात। कड़कनाथ कड़कनाथ एमपी। कड़कनाथ कहाँ है, एमपी की है। अमेरिकी नस्ल, मूल स्थान न्यू हैम्पशायर अमेरिका, इसका उत्पत्ति स्थान है। प्लाईमाउथ रॉक है, ये भी अमेरिका है। रोड आयरलैंड रेड, ये भी क्या है, अमेरिका है। भारतीय नस्ल में असील है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और यूपी, इसका मूल स्थान माना जाता है। वसरा ये महाराष्ट्र गुजरात है। और कड़कनाथ जो कि फेमस ब्रीड है मुर्गी की, ये क्या है, पश्चिमी, आप मध्य प्रदेश कह सकते हैं, मध्य प्रदेश आप लिखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसका मेनली पश्चिमी मध्य प्रदेश है। लेग हॉर्न, ये क्या है, इटली। मेनोरका, मेनोरका ब्लू, ब्लू एडी, ब्लू एड ल्यूशियन एनाकोना, स्पेन। अब बात करते हैं एशियाई नस्ल की बात है, लेग हॉर्न इटली है, ब्लू एड ल्यूशियन एनकोना क्या है, स्पेन है। एशिया के नस्लों में बात करते हैं, एशियाई नस्ल, एशिया हल्की, ब्रह्मपुत्र नदी का कछार क्षेत्र, कोचिन। कोचिन क्या है, चीन। अब अंग्रेजी नस्ल,
अंग्रेजी नस्ल, लाल, ये कहाँ की, इंग्लैंड की। कार्निश सफेद, ये भी क्या है, इंग्लैंड। ससेक्स इंग्लैंड, ससेक्स इंग्लैंड। ऑस्ट्रोलॉर लॉर, ऑस्ट्रोलॉर, ऑस्ट्रेलिया। और पिंगटन, ये क्या है, इंग्लैंड, ये क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो ये हमारी मुर्गियों की नस्लें हो गई, जो मेजर मेजर नस्लें थी वो हो गई हैं, ठीक है। और कुक्कुट दो उद्योग है जिसमें लगभग 90% क्या है, हिस्सेदारी। जो भी कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन का मतलब ये नहीं कि मुर्गी मतलब बतख है, टर्की हो गया, हाँ, जितनी वर्ड में आ जाती है वो मतलब कि उसी के अंदर मेंशन कर दिया गया है कुक्कुट। तो उसका लगभग 90% हिस्सेदारी मुर्गी पालन से ही है, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।